अमेरिका से बड़ी खबर सामने आई जहां पर बाइडेन ने दुनिया भर में अपने इत्तेहादियों को दोबारा इकट्ठा करने का ऐलान किया है और इस मिशन का आगाज कर दिया है। वाशिंगटन, लंदन और इस हवाले से दीगर अहम तरीन इलाकों के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप की वजह से यूरोपीय इत्तेहादियों को गुस्सा है, बीजिंग में नाराज है। अमरीकी सदर जो बाइडन, बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन ने अपने नए इत्तेहाद का ऐलान किया जिसका मकसद चीन के असर रसूख का मुकाबला करना है और अस्करी इत्तेहाद को दोबारा कायम करना है। इसमें हमने देखा कि बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन और अमेरिका के सदर जो बाइडन किरदार अदा कर रहे हैं। खबर की तफसील जानने से कबल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चीन के दरमियान बदलती सूरत हाल से आप आगाह रहें। ऑस्ट्रेलिया को जोहरी ताकत से चलने वाली आबदोजों की फराहमी के माहदे की वजह से फ्रांस नाराज हुआ है और यह खास तौर पर इस वक्त हुआ जब उनकी जानिब से पेरिस से आबदोजों की खरीदारी का वो माहदा मनसूख हुआ जिस पर पहले इतफाक किया गया था। चीन ने इस माहदे की मजम्मत की है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के दरमियान ऐसी आबदोजों की खरीदारी के माहदे नहीं होने चाहिए जिसे उससे गैर जिम्मेदाराना करार दिया गया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान इस हवाले से कहते हैं, अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जोहरी आबदोजों के शोबे में तआवुन की वजह से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में खलल पैदा हो गया, हथियारों की दौड़ तेज हो जाएगी और जोहरी अदम फैलाव की बैनुल अक्वामी कोशिशें कमजोर हो जाएंगी। सबसे अहम बड़ी डेवलपमेंट यह है कि बाइडन ने दुनिया भर में अब इत्तेहादियों को दोबारा जोड़ने का फैसला किया है, लेकिन दूसरी जानिब ट्रंप वहां पर अमरीकी अफवाज के खिलाफ खड़े हो गए हैं क्योंकि अमरीकी अफवाज ने ट्रंप के दौर के इख्तिताम के करीब ही चीन के साथ बैकडोर रबते किए थे। इस वक्त ट्रंप चाहते हैं कि वो आगे इंतखाबात में जो बाइडन के खिलाफ खड़े हों। अभी से इत्तेहाद कायम होने जा रहा है, बड़ी डेवलपमेंट है। अमेरिका में क्या हो रहा है, तमाम स्टेट्स में बड़ी खबरें क्या हैं, जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।